नमस्कार दोस्तों, मैं गजर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ क्रिप्टो मनी मंत्रा के एक नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मेटावर्स के बारे में। क्या है मेटावर्स और किस तरीके से आने वाले वक्त के अंदर मेटावर्स पूरी दुनिया को ही चेंज करके रख देगा, उन सब चीजों के बारे में डिस्कशन करेंगे इसी वीडियो के अंदर। और आप सब लोगों को कुछ बताएंगे ऐसे कुछ प्रोजेक्ट्स जो कि क्रिप्टो करेंसी के अंदर मेटावर्स प्रोजेक्ट्स हैं और काफी अच्छा ग्रो कर सकते हैं आने वाले वक्त के अंदर, काफी अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं हम उनसे। और आपको कुछ कॉइन्स ऐसे सजेस्ट करेंगे जहां पर आपको काफी अच्छा प्रॉफिट हो सकता है आने वाले वक्त के अंदर। आप सब लोग इनमें काफी अच्छा प्रॉफिट बनाने के साथ साथ इन सब चीजों के साथ किस तरीके से यहाँ पर जुड़ सकते हैं, उन सब चीजों के बारे में बात करेंगे इसी वीडियो के अंदर। तो आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से कहना चाहेंगे, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब का बटन बिल्कुल दबा लीजिएगा, बेल आइकन को भी ऐसे दबा लीजिएगा ताकि आपको सारे नोटिफिकेशन मिल सके हमारे वीडियो से रिलेटेड। और साथ ही साथ इस वीडियो का जरूर लाइक कर दीजिएगा ताकि हमको मोटिवेशन मिल सके आप सब लोग के लिए ऐसे वीडियोस बनाने के लिए। तो चलिए दोस्तों, अब इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले अब बात करेंगे मेटावर्स के बारे में। क्या है मेटावर्स, क्योंकि पिछले कुछ दिनों के अंदर लोगों ने काफी ज्यादा इंटरेस्ट लेना स्टार्ट किया है मेटावर्स के अंदर। इसका सबसे बड़ा जो रीजन है वो है फेसबुक, क्योंकि फेसबुक ने कुछ समय पहले अपने आपको मेटावर्स कंपनी अनाउंस कर दिया था। सबसे पहली कंपनी है फेसबुक जो कि मेटावर्स कंपनी है, जो कि अपने आप को अनाउंस कर चुकी है मेटावर्स कंपनी है। बेसिकली मेटावर्स है क्या, इन सब चीजों के बारे में डिस्कशन करते हैं। तो देखिए, मेटावर्स एक बेसिकली एक तरीके का वर्चुअल वर्ल्ड है जो कि बहुत ज्यादा सिमिलर है हमारे इस रियल वर्ल्ड से। अगर मैं बात करूं इस वर्चुअल वर्ल्ड की, तो पूरा का पूरा वर्चुअल वर्ल्ड इंटरनेट के ऊपर है, जहां पर कि अलग अलग प्रोजेक्ट्स अलग अलग चीजें लेकर आएंगे, अलग अलग चीजें आप सब लोगों को दिखाएंगे, आप सब लोग उसके अंदर पार्टिसिपेट भी कर पाएंगे। जैसे कि आप सब लोगों को बताना चाहूंगा कि यहां पर जो इंटरनेट पे जो चीजें चल रही हैं, वहां पर वर्चुअल वर्ल्ड जो होगा बहुत ज्यादा सिमिलर होगा हमारे रियल वर्ल्ड से। वही सारी एक्टिविटीज जो आप रियल वर्ल्ड के अंदर करते हैं, मतलब कि आप डेली रूटीन में करते हैं, वही सारी एक्टिविटीज आप उस वर्चुअल वर्ल्ड के अंदर भी कर पाएंगे। लेकिन फर्क सिर्फ इतना होगा कि आप अभी रियलिटी में कर पाते हैं वो होगा पूरा का पूरा वर्चुअल वर्ल्ड, जिसके अंदर आप सब लोग जानते हैं कि वीआर और एआर का जो है वो सपोर्ट यहां पर रहेगा। बेसिकली इस तरीके से सारी चीजें चलेंगी, जैसे कि आप रियल वर्ल्ड के अंदर किसी भी चीज को टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, स्मेल कर सकते हैं, वो सारी चीजें भी वहां पर होंगी। आप रियल वर्ल्ड के अंदर जैसे किसी अपने ऑफिस में जाते होंगे, अपने वर्किंग प्लेस पे जाते होंगे, या फिर कोई अगर आप कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं, या फिर आप कोई मीटिंग अटेंड करते हैं अपने ऑफिस की, या मूवी देखना जाते हैं, या फिर अपने दोस्तों से चैटिंग करते हैं, वो सारी पॉसिबिलिटीज जो होंगी वो सारी की सारी पॉसिबिलिटीज होंगी यहां पर उस वर्चुअल वर्ल्ड के अंदर भी, मतलब कि मेटावर्स वर्ल्ड के अंदर भी। आप गेम्स खेल सकते हैं अपने दोस्तों के साथ में, और भी बहुत सारी पॉसिबिलिटीज होंगी जो कि बनी रहेंगी, आपको देखने को मिलेंगी मेटावर्स के अंदर। तो ये सारी चीजें हैं जो कि बेसिकली एक मेटावर्स वर्ल्ड है। मेटावर्स एक तरीके का वर्चुअल वर्ल्ड है जहां पर आप इस तरीके की चीजें जो है वो कर पाएंगे वर्चुअली, यहां से बैठे बैठे। अगर आपको किसी भी जगह पर जाना है, कहीं पर मीटिंग अटेंड करनी है जहां पर आप फिजिकली प्रेजेंट नहीं हो सकते, तो वहां पर आपका एक अवतार, बेसिकली एक तरीके से आपका एक करेक्टर बनकर वहां पर बैठ जाएगा, उस तरीके से वहां पर जो है मीटिंग अटेंड कर पाएगा, और आप यहां से उस मीटिंग का एक्चुअल एक्सेस जो है वो बेसिकली वर्चुअली आप ले पाएंगे। तो ये सारी चीजें होंगी मेटावर्स के अंदर। काफी ज्यादा गेमिंग प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं जो कि यहां पर मेटावर्स के अंदर आ चुके हैं ऑलरेडी, जो कि अपनी लैंड्स को सेल कर रहे हैं, कुछ करेक्टर्स को सेल कर रहे हैं, कुछ अलग अलग चीजों को सेल कर रहे हैं। कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसे भी हैं जो कि स्पेस से रिलेटेड चीजों को बता रहे हैं कि स्पेस में आप किस तरीके की चीजें जो है वो देख सकते हैं, क्योंकि पूरा का पूरा एक यूनिवर्स ही बनने वाला है एक तरीके से, जो कि वर्चुअल वर्ल्ड में बनने वाला है। जिस तरीके से जो जो चीजें हम अपने रियल वर्ल्ड में देखते हैं, जैसे रियल वर्ल्ड के अंदर हमारे पास आसपास टीवी भी है, हमारे पास मोबाइल फोन भी है, हमारे पास गेम्स भी है, हमारे पास ऑफिस भी है, हमारे पास और बहुत सारी चीजें, हमारे पास कार्स हैं, प्रॉपर्टीज हैं, सारी चीजें, वो सारी चीजों का एक्सेस आपको वहां पर मिलेगा। आप अपनी खुद की कुछ चीजें जो है वो डेवलप कर पाएंगे, कुछ चीजें आप खरीद पाएंगे, कुछ चीजें आप बेच पाएंगे, ये सारी की सारी चीजें होंगी उस मेटावर्स वर्ल्ड के अंदर, बेसिकली इस वर्चुअल वर्ल्ड के अंदर। तो इन सब चीजों को पॉसिबल बनाया जाएगा आने वाले वक्त के अंदर। सिर्फ फेसबुक ही नहीं, ऐसे बहुत सारे और प्रोजेक्ट्स हैं जो कि इस चीज के ऊपर काम कर रहे हैं। आप सब लोगों ने डेफिनेटली डिसेंटरलैंड जो कि जिसका कॉइन है माना, उसके बारे में सुनी लिया होगा, काफी अच्छी ग्रोथ मिली पिछले कुछ दिनों के अंदर। द सैंडबॉक्स भी इस तरीके का एक प्रोजेक्ट है जिसके ऊपर काफी अच्छी ग्रोथ मिली, और इन सब चीजों के अंदर आप सब लोगों को काफी अच्छा, अगर आपने इसमें पैसा इन्वेस्ट किया था तो आपको डेफिनेटली इसके अंदर काफी अच्छा प्रोजेक्ट जो है यहाँ पर रिटर्न दे चुका होगा। मेटावर्स बेसिकली एक तरीके से आप एडवांस वर्जन ऑफ NFT भी कह सकते हैं, जहां पर आपको NFT का एक तरीके से एडवांस वर्जन मिल रहा है, जहां पर आप अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं कॉइन्स के अंदर भी,
उस प्रॉपर्टी को खरीद सकते हैं या किसी भी चीज को अपने पास आप रख सकते हैं। ऐसे बहुत सारे अनगिनत प्रोजेक्ट्स अब मार्केट के अंदर आ रहे हैं जो कि क्रिप्टो करेंसीज के अंदर आ रहे हैं, जो कि मेटावर्स प्रोजेक्ट्स हैं, और वो अपना टोकन भी लेकर आ ही रहे हैं मार्केट के अंदर, और बहुत ज्यादा ग्रो करने के चांसेस हैं आने वाले वक्त के अंदर। तो आप सब लोगों के साथ ऐसे कुछ कॉइन्स जो मेरी रिसर्च पर यहाँ पर बेस्ड है उन सब चीजों के बारे में यहाँ पर आपको मैं बताने वाला हूँ, कौन कौन से कॉइन्स हैं जिनके ऊपर मेरी पर्सनली यहाँ पर नजर है। कुछ कॉइन्स के अंदर मैं ऑलरेडी इन्वेस्ट कर चुका हूँ, कुछ कॉइन्स के अंदर मैं धीरे धीरे करके और इन्वेस्ट कर रहा हूँ धीरे धीरे। तो अगर आप चाहें तो उन कॉइन्स के अंदर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको बताएंगे ऐसे 5 कॉइन्स जो कि आप यहां पर इन्वेस्ट कर सकते हैं और अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकते हैं उन मेटावर्स प्रोजेक्ट्स में। तो चलिए अब आप सब लोगों को वो कुछ कॉइन्स सजेस्ट कर देते हैं। तो यहां पर सबसे पहले हम चलेंगे हमारी कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो हमारी कंप्यूटर स्क्रीन पर अब हम यहाँ पर आ चुके हैं। सबसे पहले आप सब लोगों को बताना चाहूंगा अगर आपको मेटावर्स प्रोजेक्ट्स को अगर सर्च करना है तो यहाँ पर आप कॉइन गीको वेबसाइट पे जाइएगा और यहाँ पर आप सर्च कीजिएगा मेटावर्स, और जैसे ही आप यहाँ पर मेटावर्स लिख देंगे उसके बाद आपको सबसे नीचे नीचे यहाँ पर कैटेगरीज के अंदर मेटावर्स यहाँ पर नजर आएगा। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करते हैं आपके सामने लिस्ट आ जाएगी बहुत सारे मेटावर्स प्रोजेक्ट्स की, और आप अपनी खुद की रिसर्च कर यहाँ पर इन्वेस्ट कर सकते हैं। अदरवाइज जो कॉइन्स मैंने सेलेक्ट किए हैं वो मैं आप सब लोगों को बताना चाहूंगा। यहाँ पर जो सबसे पहला प्रोजेक्ट है जिसको मैं यहाँ पर देख रहा हूँ वो है स्टार एटलस, और यहाँ पर अगर हम देखें तो 226 नंबर पर रैंक कर रहे हैं ओवरऑल क्रिप्टोकरेंसी मार्केट के अंदर, और इसका प्राइस है 0.173 का डॉलर्स के अंदर, और यहाँ पर ये इसकी जो मार्केट कैपिटल है वो है सिर्फ और सिर्फ 376 मिलियन डॉलर्स की। बहुत ज्यादा अभी कम यहाँ पर मार्केट कैपिटल है, बहुत ज्यादा ग्रो नहीं किया है। यहाँ पर ये जो कॉइन लिस्टेड है वो आपको यहाँ पर FTX एक्सचेंज के ऊपर और MXC एक्सचेंज के ऊपर यहाँ पर मिल जाएगा, अगर आप चाहें तो इसके ऊपर इन्वेस्ट कर सकते हैं, और यहाँ पर इसमें जो ग्रो करने के चांसेस है अभी भी बने हुए हैं। यहाँ पर काफी समय हो चुका है ऑलरेडी वैसे तो लिस्ट हुए हुए इस प्रोजेक्ट को, और काफी अगर मैं बात करूं तो बॉटम से बहुत ज्यादा अभी ऊपर नहीं गया है, अंडर वैल्यूड ही प्रोजेक्ट है, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि इसको बाय द डिप्स होना चाहिए और यहाँ पर पार्ट्स में बाय करना चाहिए। यहाँ पर पूरा का पूरा आप यहाँ पर एकदम से एंट्री मत कीजिएगा, छोटा छोटा करके पार्ट्स में एंट्री कीजिएगा, लेकिन आने वाले वक्त के अंदर ये प्रोजेक्ट आपको काफी अच्छा प्रॉफिट दे सकता है। तो इस कॉइन को थोड़ा सा रिसर्च अपनी खुद की कीजिएगा, और उसके बाद अगर आप चाहें तो स्टार एटलस जो कि यहाँ पर एटलस इसका जो टिकर है और इसका जो प्राइस चल रहा है वो चल रहा है 0.173 का प्राइस चल रहा है, इसके ऊपर आप अपनी नजर रख सकते हैं, अगर आप चाहें तो इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगला जो प्रोजेक्ट है वो हमारा अंडर वैल्यूड प्रोजेक्ट है काफी ज्यादा, और मैं आपको उस कॉइन के बारे में बताना चाहूंगा। यहाँ पर जो कॉइन है वो है बिनोमन, यहाँ पर आप इस कॉइन को सर्च कर सकते हैं, और इसका जो टिकर है वो है BMON, और यहाँ पर इसका जो यहाँ पर जो प्राइस चल रहा है वो चल रहा है 0.325 का। इसकी जो मार्केट कैपिटल है वो सिर्फ और सिर्फ अभी 47 मिलियन डॉलर्स की ही है, राइट, बहुत कम मार्केट कैपिटल है, और ये कॉइन आपको KU कॉइन पर मिल जाएगा। और अगर हम यहाँ पर इसका चार्ट देखें तो यहाँ पर अभी ये बहुत ज्यादा अंडर वैल्यूड है, इसमें कोई भी ज्यादा ग्रोथ अभी तक नहीं हुई है, बहुत ज्यादा अंडर वैल्यूड है, और इसके अंदर मैं कहूंगा कि अगर आप पार्ट्स में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं या फिर अगर आप चाहें तो इसके अंदर पूरा भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन धीरे धीरे करके पार्ट्स में करेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि एक नई टेक्नोलॉजी है, एक नई चीजें हैं मेटावर्स, तो इसमें पार्ट्स में ही इन्वेस्ट करना ज्यादा बेटर रहेगा। यहां पर मैंने आपको एक कॉइन बता दिया है, इसका टिकर है BMON, इसके अंदर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, काफी अच्छा प्रॉफिट दे सकता है आने वाले वक्त के अंदर। अगला जो प्रोजेक्ट है काफी ज्यादा पॉपुलर है और इसके बारे में आप सब लोगों ने शायद सुना ही होगा, इसका नाम है बोसन, यहाँ पर बोसन प्रोटोकॉल, यहाँ पर ये भी एक मेटावर्स प्रोजेक्ट है, और यहाँ पे इसका जो प्राइस चल रहा है वो चल रहा है $3 के आसपास, 2.94, और इसका जो यहाँ पर मार्केट कैपिटल है वो सिर्फ और सिर्फ 175 मिलियन डॉलर का ही है। इसकी जो टोकन सप्लाई है वो भी बहुत ज्यादा कम है, यहाँ पर 200 मिलियन की सिर्फ टोटल जो यहाँ पर टोकन सप्लाई है, और इसका अगर हम यहाँ पर चार्ट देखें यहाँ पर तो यहाँ पर चार्ट पे भी हमको ये चीज नजर आ रही है कि बहुत ज्यादा भी ऊपर नहीं गया, लेकिन फिर भी यहाँ पर इसको यहाँ पर जो है पार्ट्स में बाय करना चाहिए, इसको एग्जैक्टली पूरा एकदम बाय नहीं कर लेना चाहिए। अभी यहाँ पर $3 के आसपास ट्रेड कर रहा है, ऑल टाइम हाई इसका 5.36 है। मेटावर्स आने वाले वक्त के अंदर काफी ज्यादा अच्छा ग्रो कर सकता है, तो मैं आप सब लोगों से कहूंगा कि ऐसे प्रोजेक्ट्स के अंदर इन्वेस्ट करना और ऐसे प्रोजेक्ट्स के अंदर अपना इंटरेस्ट रखना काफी अच्छा हो सकता है आने वाले वक्त के अंदर। तो इन कॉइन्स के अंदर जो मैं आप सब लोगों को सजेस्ट कर रहा हूं यहाँ पर, इन कॉइन्स के अंदर अच्छी खासी नजर जरूर रखिएगा। अगला यहाँ पर जो फोर्थ नंबर का हमारा कॉइन है वो काफी 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 ज्यादा पॉपुलर है, उसके बारे में शायद आपने जरूर सुना होगा, अगर मेटावर्स के नाम से नहीं सुना तो डेफिनेटली इसको किसी ना किसी अपने दोस्त के नाम से या फिर क्रिप्टो करेंसी में जो इन्वेस्टर्स हैं उनके नाम से जरूर सुना होगा। कॉइन का नाम है ब्लॉकटोपिया,
राइट। तो ब्लॉकटोपिया यहाँ पर काफी ज्यादा पॉपुलर हो चुका है। यहाँ पर जो कॉइन का टिकर है वो है ब्लॉक BLOK, एंड इस समय पर जो ट्रेड कर रहा है वो 10 सेंट्स के आसपास ट्रेड कर रहा है। इसकी जो थोड़ी सी जो टोकन सप्लाई है वो थोड़ी सी ज्यादा जरूर है, यहाँ पे 200 ट्रिलियंस की यहाँ पर जो है वो टोकन सप्लाई है। हाँ, थोड़ा सा भी इस समय पर अगर मैं बात करूं तो इसका जो प्राइस है थोड़ा सा ज्यादा है, लेकिन मैं आप सब लोगों से ये कहूंगा कि थोड़ा बहुत इसको डिप का वेट कीजिए। जैसे जैसे इसके अंदर डिप आते रहे वैसे आप इसके अंदर जो है वो इन्वेस्ट कर सकते हैं। मेरे हिसाब से इसके अंदर हमको काफी थोड़े समय के अंदर जो है वो यहाँ पर डिप देखने को मिलेगी। हो सकता है कि हमको यहाँ से 30% के आसपास 40% के आसपास इसके अंदर हमको इसके अंदर करेक्शन देखने को मिल जाए। अगर इसके अंदर हमको एक करेक्शन देखने को मिले तो काफी अच्छा यहाँ पर रहेगा बाय, अगर बाय ऑन डिप्स अगर रहता है तो। अब यहाँ पर जो मेरे हिसाब से जो इसकी जो बाइंग रेंज रहनी चाहिए वो यहाँ पर अभी एट प्रेजेंट जैसे ट्रेड कर रहा है 10 सेंट्स के आसपास, अगर हमको ये 8 सेंट और 6 सेंट्स के बीच में मिले तो मेरे हिसाब से फिर वहां से इसको बाइंग करना स्टार्ट करना चाहिए। इसका जो ऑल टाइम हाई है वो 17.8 सेंट्स का है, आने वाले वक्त के अंदर हो सकता है कि 50 सेंट्स तक भी चला जाए, 5x का यहां से प्रॉफिट दे जाए। तो यहां पर धीरे धीरे करके इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, पूरी की पूरी इन्वेस्टमेंट एक साथ नहीं करनी चाहिए। यहां पर धीरे धीरे करके अगर हम इसके अंदर अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं ब्लॉकटोपिया के अंदर तो आने वाले वक्त के अंदर ये कॉइन हमको काफी अच्छा रिटर्न दे सकता है, लेकिन फिलहाल के लिए इस कॉइन के अंदर डिप का वेट करना जरूरी है। अगला जो यहाँ पर कॉइन है वो भी काफी अच्छा कॉइन है और KU कॉइन पर लिस्टेड है, जिसका नाम है सेंसो CESENSO, राइट सेंसो। ये भी KU कॉइन पर लिस्टेड है और यहाँ पर आप चाहे तो इस कॉइन के अंदर भी इसको देख सकते हैं, थोड़ा सा इसके अंदर इस पर रिसर्च कर सकते हैं। यहाँ पर इसका जो प्राइस है वो है यहाँ पर 2.95 का, बहुत ज्यादा बड़ा मार्केट कैपिटल नहीं है इसका और टोटल टोकन सप्लाई जो है यहाँ पर करीब करीब 5 ट्रिलियन के आसपास है। और इसको थोड़ा थोड़ा अगर हम इसमें पार्ट्स में अगर हम बाय करें तो आने वाले वक्त के अंदर हमको अच्छा खासा जो प्रॉफिट दे सकता है। यहाँ पर थोड़ा सा रिसर्च करके थोड़ा सा आराम से धीरे धीरे करके बाय करना होगा, क्योंकि अभी ये लगातार ऊपर की तरफ जा रहा है तो एक अप ट्रेंड में बना हुआ है, तो एकदम अगर इंस्टेंट प्रॉफिट कमाना है तो थोड़ा बहुत इंस्टेंट प्रॉफिट हो सकता है। लेकिन मैं आप सब लोगों से कहूंगा कि इसके अंदर अगर ये नीचे मिल जाए तो और भी अच्छा होगा, धीरे धीरे करके आप इसको पार्ट के अंदर बाय कर सकते हैं। काफी अच्छी चीजें हैं यहाँ पर जो आने वाले वक्त के अंदर इन सब प्रोजेक्ट्स के अंदर हमको देखने को मिलेगी। हाँ, ऑफ कोर्स और भी कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जो कि नए प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं जो कि आने वाले वक्त के अंदर आपको देखने को मिलेंगे बहुत जल्दी, जिसमें से कि मेरे को यहाँ पर काफी अच्छा जो प्रोजेक्ट लग रहा है वो लग रहा है ट्राई हैंड, राइट। यहाँ पर अभी फिलहाल के लिए आपको यहाँ पर नहीं देखने को मिलेगा क्योंकि अभी ये प्रोजेक्ट जो है वो लिस्ट नहीं हुआ है, और फिलहाल के लिए अभी जो है वक्त है ट्राई हैंड को, यहाँ पे ट्राई हार्ट, सॉरी, यहाँ पे ट्राई हार्ट करके एक प्रोजेक्ट है। इसके अंदर आपको अगर आप इन्वेस्ट करना चाहें तो आने वाले वक्त के अंदर जब ये लिस्ट हो जाएगा, अभी फिलहाल के लिए इसका ICO फेज चल रहा है ट्राई हार्ट का, तो जैसे ही वो प्रोजेक्ट हमको देखने को मिलेगा आप सब लोगों को जरूर बताएंगे कि ट्राई हार्ड आप किस प्राइस पे और कैसे बाय कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें हैं जो कि आप सब लोगों को बतानी थी, आप सब लोगों को अपडेट देना था मेटावर्स के बारे में, क्या है मेटावर्स, कौन कौन से प्रोजेक्ट्स हैं जो कि इस समय पर बहुत ज्यादा हाईलाइटेड है, किन प्रोजेक्ट्स के अंदर हमको यहाँ पर इन्वेस्ट करना चाहिए और कहाँ से हम प्रॉफिट निकाल सकते हैं आने वाले वक्त के अंदर मेटावर्स प्रोजेक्ट्स के अंदर। आने वाले वक्त के अंदर मैं आप सब लोगों को और भी बहुत सारी चीजें जो है वो मेटावर्स से रिलेटेड सजेस्ट करता रहूंगा, आप सब लोगों को बताता रहूंगा कौन कौन से प्रोजेक्ट्स हैं जिनके अंदर आप इन्वेस्ट कर पैसा कमा सकते हैं, कौन कौन से ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो कि आने वाले वक्त के अंदर काफी अच्छा रिटर्न दे सकते हैं। तो इन सब चीजों के ऊपर मेरी टोटली जो है नजर रहेगी, आप सब लोगों को जरूर अपडेट मिलती रहेगी। तो आप सब लोगों को कहना चाहूंगा कि अगर आपको इस वीडियो को देखने के बाद अच्छा लगा है, कुछ सीखने को मिला है, कुछ यहाँ पर चीजें आपको समझ में आई है, तो डेफिनेटली इस वीडियो को ऐसे जरूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों के साथ में और कमेंट करके जरूर बताइएगा कैसा लगा आपको आज का वीडियो। तो फिलहाल के लिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, देखने के लिए आप सब लोग बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।